So now today our topic in triangle chapter for the class 9 students, exercise number 7.4, question number 6. Already we have done till the question number 5. Then now today we are going to start the question number 6. This is very important question. This question बिल्कुल आपको मजाक में नहीं लेना है. ये question जो है बहुत सारे competitive exams में पूछा जाता है. तो इसको ध्यान से सीखिए. So that all line segments drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Question को ध्यान से सुनिए. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ये हमने जो है नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन L. इस नंबर लाइन में एक पॉइंट हमने ऐसा शो किया जो इस नंबर लाइन पे नहीं है. वो पॉइंट कौन सा है? P है, नॉट ऑन इट. अब P से हमने इस नंबर लाइन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है PM परपेंडिकुलर. ठीक हो गया. अब हमें जो प्रूव करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसे पॉइंट जो नंबर लाइन पर नहीं है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जो है सबसे छोटी लाइन होगी. इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए. सबसे पहले जो है हमें जो दिया गया है PM परपेंडिकुलर ऑन इट्स L, कौन से में दिया है? L. प्रूफ हमें क्या करना है, समझ गए? यानी कि हमें जो है PM सबसे छोटी लाइन लानी है. तो यानी कि मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस राइट ट्रायंगल सो PM ग्रेटर देन PM, यानी कि PM छोटी होगी तो PM कैसी लाइन होगी? बड़ी होगी. ये हमें प्रूफ करना है. ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया. इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल व्हाट इज द नेम ऑफ राइट ट्रायंगल? PMN. एंगल PM, PMN विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा. अब PMN हमारा कितना हो गया? 90 हो गया. यदि हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की यदि देखें तो तीनों एंगलों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. तो यहां पे ध्यान दीजिए, इन तीन एंगलों में से एक अकेला एंगल 90 डिग्री आ गया और जो दो एंगल होंगे उन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा. क्यों होगा? क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए. यदि एक 90 है तो दोनों का सम भी क्या होगा? 90. तो इसका मतलब जो है जब दोनों का सम 90 है तो ये जो प्रत्येक जो एंगल होंगे ये 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे. तो इसी चीज को हमने यहाँ पे समझना है. तो एंगल जो हमारा एंगल पी एम, इसको लिख लीजिए एंगल पी एन एम प्लस एंगल एम पी एन, एम पी एन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिखा जा सकता है. ये और इन दोनों का सम भी क्या होगा? 90. तब जाकर के हमारा तीनों एंगल का सम कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री आएगा. तो यहाँ पे यानी कि क्या इससे प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ये एंगल PNM है ये इससे छोटा है और एंगल MPN है ये भी इससे क्या है? छोटा है. तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एंगल PNM इज लेस देन एंगल PMN. क्लियर हो गया? PNM, PNM के सामने कौन सी साइड? हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके ठीक सामने की साइड भी बड़ी होती है और जो एंगल छोटा होता है उसके ठीक सामने की साइड भी छोटी होती है. तो यहाँ पे एंगल PNM छोटा है किससे? PMN से. PNM के सामने साइड देखिए PNM ये वाला एंगल, इसके ठीक सामने कौन सी साइड पड़ी है? फ्रंट साइड PM. सो कह रहे हैं एंगल PM लेस देन PMN. कहा है PMN? PMN ये वाला एंगल, इसके ठीक सामने कौन सी साइड है? PM. तो PM, तो हमारा जो क्वेश्चन था ये अपने आप में प्रूफ हो गया. यही हमें प्रूफ करके लाना था. तो इसे इसमें ध्यान रखने की बेसिक जो चीज है, एक तो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया. दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल की
एंगल छोटा होगा, जो साइड बड़ी होती है उसके ठीक सामने का एंगल बड़ा होता है। थैंक यू।